तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर में ईएमएफ की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इंडक्टर में करंट की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होती है, माइनस साइन कॉमन आ गया तो साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी इज़ कॉस ओमेगा टी, तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और करंट आ गया। इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, डी डब्ल्यू बाई डी टी ई इंटू आई, ई और आई को मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई, डी टी राइट साइड पर ले जाओ ये टर्म आ गई, इंटीग्रेट करो टोटल वर्क डन के लिए, जीरो से टी जीरो से डब्ल्यू टोटल वर्क डन आ गया। यहाँ पे राइट साइड को चेक करो, स्पेशली मेडिकल के लोग टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कैन बी रिटन एज साइन ऑफ टू ओमेगा टी। तो यहाँ पे साइन ऑफ टू ओमेगा टी की इंटीग्रेशन है, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है। साइन के अंदर कोई भी एंगल हो जीरो से टी तक, इंटीग्रेशन हमेशा आंसर क्या देगी, जीरो, तो सीधा जीरो। तो यानी कि टोटल वर्क डन की वैल्यू सीधा जीरो, तो एवरेज पावर भी सीधा जीरो। तो लिख लो एवरेज पावर इन केस ऑफ इंडक्टर इज जीरो ओवर अ कंप्लीट साइकिल।